जो आपने लास्ट वीडियो देखा वही अपलोड करना चालू है यहाँ पे। और मेन मतलब गांव में आने के बाद सुबह सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एटीजी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। अभी लगातार 3 दिन से हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं। मतलब पहला दिन अचलपुर पहुँचे, कल भी आसपास घूमे, आज जाना है शेगांव। शेगांव में जाके रुकना है या नहीं ये प्लान थोड़ा अभी तक डाइसी है, क्योंकि जाना है नागपुर। सो टोटल 400 किलोमीटर होंगे, मतलब अचलपुर टू शेगांव टू नागपुर। कि शेगांव एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे रुकने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि क्लीनलीनेस बोलो, हॉस्पिटैलिटी बोलो, एक नंबर है। और मैं तो बोलता हूँ पूरे महाराष्ट्र या पूरे भारत में भी ऐसा मंदिर मैंने नहीं देखा है कभी, इतना अच्छा है। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, ठंड काफ़ी है यहाँ पे गाँव में। एंड फर्स्ट टाइम मैंने ट्रिप के दौरान वीडियो एडिट किया है, इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। तो धीरे धीरे अपने को कैसे यूट्यूब को भी लाइन में लाना है, फॉर्म में लाना है, इसके लिए ये सब कर रहा हूँ मैं ट्रायल्स। अगर ये सक्सेसफुल हो गए ना भाई, आने वाली राइड में मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली आने वाली राइड का अलग प्लान है, वो आपको उसी टाइम पर मालूम पड़ेगा। बट यस, अभी निकलता हूँ मैं। शेगांव पहुँचने के लिए आप बाय रोड या बाय ट्रेन जा सकते हो। शेगांव स्टेशन सेंट्रल रूट यानी मुंबई हावड़ा रूट पे है, तो नागपुर या हावड़ा साइड जाने वाली ज़्यादातर ट्रेन शेगांव में रुकती है। रेलवे स्टेशन से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप रेलवे स्टेशन से ऑटो या फिर संस्थान की या फिर प्राइवेट बस से मंदिर तक पहुंच सकते हो। मंदिर के पहले यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटी भी है। पार्किंग से ही मंदिर में जाने के लिए प्रॉपर रास्ता बनाया है, और मंदिर के परिसर में भक्त निवास भी है जिसका कॉस्ट 250 रुपये से 950 रुपये तक है। अगर यहाँ पे आपको रूम्स नहीं मिलती है तो विसावा और आनंद विहार भक्त निवास भी है, जहाँ पे 60 रुपये से डॉर्मेट्री हॉल और 950 रुपये तक AC रूम आपको मिलती है। मंदिर के साफ सफाई कर्मचारी मंदिर और परिसर को साफ रखने में हमेशा आगे रहते हैं। श्री गजानन महाराज संस्थान 12 सितंबर 1908 में बना था, और 8 सितंबर 1910 में गजानन महाराज ने समाधि ली थी। गजानन महाराज प्रकट दिन के अवसर पर शेगांव में लाखों संख्या में भक्त आते हैं। महाराज के दर्शन करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है समाधि दर्शन, जहाँ पे आप मूर्ति के एकदम पास से दर्शन ले सकते हो, और एक है मुख दर्शन, जो मूर्ति से लगभग 50 मीटर की दूरी के अंतर पर है। मंदिर परिसर में गजानन महाराज के अलावा प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति भी है। दर्शन करने के बाद आप महाप्रसाद का भी लाभ उठा सकते हो, जिसमें दाल चावल, एक सब्जी, चपाती और एक मिठाई रहती है, और यह भोजन काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। शेगांव की और एक चीज़ फेमस है, जो कि है शेगांव कचौरी। ये पूरे महाराष्ट्र या कह सकते पूरे भारत में फेमस है, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें शेगांव में। और अगर आपको कहीं पे घूमना है तो आनंद सागर करके एक उद्यान है, वहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन समय कम होने के कारण दर्शन होने के बाद मैं निकल पड़ा मेरे आगे के सफ़र नागपुर जाने के लिए। सो ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करने के लिए रुका हूँ मैं। बीच का कुछ भी रोड पे वाला पैच इस बार दिखाया नहीं मैंने। मेन मेरा प्रायोरिटी था कि आपको शेगांव दर्शन कराना है। तो अगर आप भी शेगांव आते हो तो एक दिन रहने के लिए आओ, काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारे पास अभी टाइम की कमी है, इसके लिए हम लोग नागपुर निकल रहे हैं अभी। और ये काफ़ी अभी मौसम भी सुहाना है एकदम। बारिश होने के बाद सूरज जब निकलता है ना, सेम वैसा हो गया था। और एक चीज़ मतलब मैं जान बूझ के शाम के टाइम पर निकल रहा हूँ अभी, क्योंकि मौसम अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, ट्रैफिक नहीं रहता है। खाली रोड पे कौन बीच में आएगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, बट उतना अपने को कॉन्सेंट्रेट करके गाड़ी चलाना पड़ता है। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, एक नंबर रास्ते इधर के। बस यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रांजिशन ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि जब आप दिन में गाड़ी चलाते हो तो आपके जो आँखें हैं वो ब्राइटनेस से यूज टू हो जाते हैं, लेकिन जैसे अंधेरा होता है, आगे से कोई अपर डिपर करता है या हाई बीम पर रहता है ना,
तो फिर वो आँखों में लगता है। इसके लिए फिर थोड़ा आराम करो, मुंह पे पानी वगैरह मार लो, और उसके बाद फिर अंधेरे में राइड या ट्रिप आपकी कंटिन्यू करो। सो ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।